डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के संस्थानों और विभागों के साथ संबद्ध कॉलेजों में स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेब पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो जाएगी। लू लगने से पेट में पानी और तेज बुखार आ रहा है, सिर में दर्द के साथ ही लोग बेहोश हो रहे हैं। इससे सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ओपीडी के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों में 60% गर्मी से जुड़ी समस्याओं के हैं। गर्मी का तापमान तेजी से 45 की तरफ जा रहा है और उसके साथ ही बच्चों में भी बीमारियां तेजी से ऊपर जा रही हैं। जो प्रमुख रूप से बीमारियां जो देखने को मिल रही हैं, वो मिल रही हैं बच्चों में अत्यधिक फीवर होना, बुखार होना, और जिसकी वजह वातावरण भी है। और दूसरा सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है बच्चों में उल्टी, दस्त और पानी की कमी के लक्षण। सबसे ज़्यादा मरीज मान के चलिए 70-80% ज़्यादातर मरीज ओपीडीज में इसी तरह के आ रहे हैं। साथ ही गंदा पानी, गंदा खाने से होने वाली बीमारियां जैसे कि टाइफाइड हुआ और पीलिया हुआ, इनमें भी काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ है। तो ये सब बीमारियां जो गर्मी से संबंधित और पानी से संबंधित हैं, वो इस समय अपनी पूरी पीक पर आ चुकी हैं। और कई बार तो पानी की कमी इतनी ज़्यादा मिल रही है बच्चों में कि वो उनको भर्ती करने की तुरंत आवश्यकता हो रही है। तेज धूप और लू में बाहर निकलने से शरीर से पसीना अधिक निकल रहा है। इससे शरीर में पानी के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सहित अन्य तत्व का असंतुलन होने लगता है। इससे पेट में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी अधिक होने पर उल्टी हो रही है। एकदम पानी की कमी के कारण बच्चे गफलत में जा रहे हैं, ड्राउजी हो रहे हैं, उनकी आंखें गड्ढे में जा रही हैं, होंठ सूख रहे हैं, पानी की कमी से पेशाब कम आ रहा है और खाल पिचक रही है। बच्चे काफी ज्यादा डल, लिथार्जी होते जा रहे हैं और अगर उनको भर्ती ना करें तो अगले दिन ही काफ़ी सीरियस हालत में बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। पीलिया अचानक ही वैसे तो बरसात में मिलता है, लेकिन अभी पानी की जो दूषित पानी है और दूषित खाना पीना जो बच्चे बाहर का खा रहे हैं, उसके चक्कर में पीलिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसलिए उसको बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि पानी को उबाल के रखिए, भले उसको ठंडा कर लीजिएगा, और जितने भी बाहर का खाना है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रूटीज, बिस्किट्स, जंक फूड्स, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, बर्गर, इस तरह की चीज़ों को ना दें। घर का बना हुआ खाना ही देना है बच्चों को। लू लगने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इससे सिर में दर्द के साथ बेहोशी छाने लगती है। लू और तेज धूप से अपने बच्चों का बचाव करें। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।